दोबारा एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। एन एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4 कमा माइनस 1 एंड टचेस द लाइन दिस, फाइंड इट्स इक्वेशन इफ इट्स एक्सिस कोइंसाइड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर इसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोइंसाइड करती है तो इसका जो है एक्सिस बताइए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से किसी भी इलिप्स का अगर एक्सिस कोइंसाइड करती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? यस, तो उसका इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स लेट ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है ना। इसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, सेंटर इसका 0 0 होता है ना। यस सर, ठीक है। यस, नाउ सिंस दिस इलिप्स पासेस थ्रू, सिंस वन पासेस थ्रू फोर कामा माइनस 1 तो उसको सेटिस्फाई करेगा ये। यस सर, 4 का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, नाउ यहां से देखो ये लाइन को टच करता है तो ये लाइन क्या हो जाएगी? इसकी टेंजेंट हो जाएगी। यस सर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 1/4 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/4। यस सर, एंड फर्दर सिंस वन टचेस द लाइन x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, इट मीन दिस लाइन इज गोइंग टू बी टेंजेंट ऑफ द एलिप्स एंड दिस इंप्लाइज जो कंडीशन होती है c स्क्वायर इक्वल टू कंडीशन क्या होती है? a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होती है ना। यस सर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो c की वैल्यू दी हुई है 10/4, इसको 5/2 लिख सकते हैं ना सिंपली। यस सर, लिख सकते हैं। तो 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 इक्वल टू ए स्क्वायर 1/4 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यस, इसको सिंपलीफाई कर लें तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा हमको, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू 100 है तो फ्रॉम 2 and 3 From 2 and 3, a square b square equal to 100. ठीक है? Yes. This means a b equal to 10. Yes. This means a b equal to 10. ठीक है? Yes. Now. अब ए बी को अगर हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा? ए और बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू 10 मिल गया हमको और पीछे इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमारे पास में, एक इक्वेशन ये दिया, एक इक्वेशन ये दिया हुआ, तो किसी भी एक में हम ए की वैल्यू बी के टर्म में पुट अप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, किसी में भी ए के टर्म में बी की वैल्यू पुट अप करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ए बी की वैल्यू मिल गई है हमको, ठीक है। तो यस सर, मैं कर यस सॉल्विंग 2 and 3 बी विल गेट, ठीक है। किसी एक में ले लेते हैं इसकी वैल्यू,
A equal to 10 by B. A की वैल्यू आ जाएगी 4√5 एंड B की वैल्यू आ जाएगी √5/2 आर √5 ठीक है yes. तो है ना A, B की वैल्यू आप पुट अप कर दो 16 एंड 5 80 हो जाएगा ये A स्क्वायर B स्क्वायर वैल्यू पुट अप करेंगे तो अपना 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा नीचे अपना 5 हो जाएगा ये इक्वल टू 1 आर सेकंड सेट की वैल्यू पुट अप कर दो x स्क्वायर अपॉन 4 5 20 हो जाएगा ये प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू ठीक है ठीक है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था ठीक है और क्या होगा जो आपका डायरेक्टर सर्किल होगा वो इसका लोकस हो जाएगा आपका ठीक है डायरेक्टर सर्कल से पी का लोकस यस तो डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम पी ठीक है हेंस द लोकस ऑफ सी हेंस द लोकस ऑफ पी इज अ सर्किल क्या निकालना था आपको परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ इट्स सेंटर आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ इट्स सेंटर यस ऑलवेज रिमेन एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम पी सेंटर जो है दिस मींस हेंस द लोकस ऑफ सी हमें जो फूट है इसका एच कामा के का इसका जो है वो बनाना है किसका लोकस क्या होगा एच कामा के का ठीक है नाउ परपेंडिकुलर का देखते हैं तो ये सर्किल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर पर बीच का इक्वल टू मतलब इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 ठीक है yes. Let the foot of the perpendicular is PH comma K. Okay. Then OP का slope कितना होगा? हम निकाल सकते हैं? देन स्लोप ऑफ ओपी कितना हो जाएगा 0,0 एच कामा के है हमारे पास में ये हो जाएगा के बाई एच वाई टू माइनस वाई वन अपन एच टू माइनस वाई वन से ओके यस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा
स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस एच बाई के, दोनों परपेंडिकुलर है ना। यस नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद पासिंग थ्रू पॉइंट एच कामा के एंड हैविंग स्लोप एच बाई के कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, वाई माइनस के इक्वल टू स्लोप कितना दिया है, माइनस एच बाई के एंड एक्स माइनस एच, हो जाएगा ना ये। यस इसको सॉल्व कर ले तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एच बाई के एक्स, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप माइनस एच बाई के, ये परपेंडिकुलर लाइन थी। अच्छा सर, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा इसका, ठीक है। माइनस एच बाई एक्स प्लस इसको इधर ले आए तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, एक वैल्यू आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको के स्क्वायर मिल जाएगा, ये प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के हो जाएगा। लेट्स सी दिस इज इक्वेशन वन, ओके। यस नाउ दिस टेंजेंट, दिस लाइन टचेस द इलिप्स, है ना। यस इसका मतलब अगर इलिप्स के इक्वेशन को इसको सॉल्व करें, यानी y इक्वल टू कि y की वैल्यू इलिप्स के इक्वेशन में पुट अप कर दे तो हमें जो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, वो इसके टर्म में मिल जाएगा हमको, ठीक है। यस नाउ दिस लाइन टचेस the ellipse, this means, ठीक है। तो अब अगर ये ellipse को touch करती है तो y equal to mx plus c बन गया ना, ये m की value ये हो गई, c की value ये हो गई, तो condition हमारी हो जाएगी c square equal to a square m square plus b square, है ना, ये satisfy होनी चाहिए। होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही रहेगा, एम की वैल्यू है माइनस एच का मत के, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपान के स्क्वायर, एच स्क्वायर अपान के स्क्वायर, अब प्लस होता है बी स्क्वायर, बी की जगह बी ही रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो इसमें एच के और ए बी है, सारी नॉन क्वांटिटीज हैं, तो इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके एच के की जगह पे एक्स वाई रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये हमारा सिंपली बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा, तो इसको लोग लिख देते हैं सिंपली करके, सॉल्व करके ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर, एच की जगह पे एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी के स्क्वायर बन जाएगा, ये तो बी स्क्वायर, के की जगह पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बी के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू एच की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लोकस मिनिमम। किसी भी कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है वो हमने देखा है पीछे भी, यहाँ पे भी ये जो आता था वो होता था टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन होता था, क्या होता था, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन होता था, जहाँ पे टी की वैल्यू क्या होती थी, जो टेंजेंट का इक्वेशन होता था वो होता था, यानी एक्स एक्स वन तो पॉइंट एच का मत के से आ रहा है, तो एच के टर्म में लिख लें इसको हम, ये हमारा एच एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस के वाई अपान बी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, एस की वैल्यू जो दी हुई है वही रह जाएगी, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगी,
और S1 की वैल्यू XY की जगह पे H और K पुट अप कर दें हम तो H² / A² + K² / B² + K² / D² - 1। ठीक है, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा T² = S1 वो क्या देगा, पियर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी एच कामा के से इस इलिप्स के लिए X² A² Y² B² = 1 के लिए। ठीक है, यस। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो T² = S1 को क्या कह सकते हैं, सिंपली कंबाइन इक्वेशन ऑफ ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो AX² BY² 2HXY के टर्म में बन जाएगा। तो इसके लिए जो एंगल था इसका फार्मूला ये हमने पीछे देखा हुआ है, यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, यस। अब यहाँ पे एंगल निकालना है, तो एंगल निकालना तो सबसे पहले क्या निकाले हम सर, इक्वेशन में ए बी की वैल्यू, इक्वेशन ऑफ पियर ऑफ टेंजेंट्स निकालो। इक्वेशन ऑफ पियर ऑफ टेंजेंट्स निकालो मींस T² = S1 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें T² = SS1 की वैल्यू निकालते हैं। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, हमको पता है कि टेंजेंट हमेशा लिखते थे तो X² को X X1 Y² को Y Y1 लिख लेते थे। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले टी की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 3, एक्स ब्रेकेट में X1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2Y ब्रेकेट में Y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, -5, ये हमारा टी बन जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। एस की जगह पे कोई छेड़छाड़ नहीं, जो है वही लिख देंगे, 3X² + 2Y² - 5। और S1 में X की जगह पे X का कोऑर्डिनेट, Y की जगह पे Y का कोऑर्डिनेट पुट अप कर देंगे, तो 3 1² + 2 2² - 5, ये S1 बन जाएगा। ये हमारा S है, ये हमारा S1 है, ये हमारा T है। ओके, यस सर। तो सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो 3X 4Y - 5 का होल स्क्वायर हो गया ये, इसको पूरा लिख करके सॉल्व कर लें। और सॉल्व करके जब इसको लिखेंगे तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो ए बी और एच की चाहिए थी, तो इसको सॉल्व करके जब लिखेंगे आप करके देखो कि ये वैल्यू आ जाएगी 9X² - 24XY - 4² + some constant or XY का टर्म आपका आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमने देख लिया कि ये टर्म आ जाएंगे, बाकी आपकी एक्स और वाई प्लस कांस्टेंट के टर्म के वैल्यू आएंगे, उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, मतलब बाकी टर्म्स को छोड़ दिया, बिल्कुल। सॉल्व करने के लिए इसको a + b + c, a + b - c या जो भी है उसके स्क्वायर को कर लें, या अगर a + b + c का फार्मूला यूज करना चाहता कोई तो क्या करे, 3X - 5 को साथ में ले लो, 2 को अलग कर दो, तो a प्लस बी के स्क्वायर में सॉल्व कर लो, फिर 3X - 5 को a - b के क्रम में स्क्वायर करके सॉल्व कर लो। ओके, यस, ये नंबर हो जाएगा। अब इसके अगर कंपैरिजन करें, हम किससे कंपैरिजन करें, X² + 2HXY + B² + कांस्टेंट का, तो हमको क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे मिल जाएगा हमें a = 9 मिल जाएगा, H = -12 मिल जाएगा और B = -4 मिल जाएगा। ठीक है, पीछे हमने फार्मूला देखा था, द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 2√H² - AB / A + B होता है, तो अब एंगल निकाल सकते हैं, tan θ = 2, √H का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा,
एच स्क्वायर माइनस ए बी था, यस माइनस ए बी करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और प्लस 36 ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी ना। टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है, ए प्लस की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। यस सर, तो सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट वन, टू अंडर रूट 180 बाय 5, इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 12 बाय रूट 5। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 इनवर्स 12 बाय रूट 5। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेंजेंट्स, आप लिप्स हैं इसमें देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 क्या कहता है कि टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ लैटिस रेक्टम पास थ्रू द कॉरस्पोंडिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑन द मेजर एक्सिस and length of the tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix subtend right angle at the corresponding foci। देखते हैं डायग्राम बना के इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। Yes, let this is your ellipse with the condition a is greater than इसकी डायरेक्ट्रिक्स से किधर हो जाएगी और एक इधर हो जाएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e पे, है ना। लॉ ये लाइक कहता क्या स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट ये है कि अगर इसका जोरान बना लेते हैं, लेट दिस इज योर मेजर एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज योर माइनर एक्सिस, और यहाँ पे लैटिस रेक्टम का मतलब क्या हो गया कि फोकस से जो है डबल ऑर्डिनेट, यस सर, ओके, ठीक है। तो से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, बी ए लैटिस रेक्टम हो गया, तो क्या कहते हैं कि इससे अगर आप कोई टेंजेंट डालोगे तो कहाँ पे जाके मिलेगी, डायरेक्ट्रिक्स के फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑन द मेजर एक्सिस, यहां पे आते हैं, ओके, ये स्टेटमेंट नंबर 3 था, ओके, ये ठीक है, ये डायरेक्ट, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है उसको मैं अपोजिट साइड से बना लेता हूं, ये आपका फोकस है, अब किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला हुआ है, क्या डाला हुआ, किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला हुआ है, सपोज हमने टेंजेंट यहां पे डाला हुआ है, हमने टेंजेंट यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, लेट दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट, हमने दूसरा टेंजेंट डाला दूसरी लेटेस्ट रेक्टम से, यस, ये पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए था, ये वाला हिस्सा प्रॉपर्टी नंबर 3 कि इसके अगर आप टेंजेंट डालोगे तो कहा जाएगा, थीटा डायरेक्ट्रिक्स जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी वो ये है कि अगर हमने टेंजेंट यहाँ डाला हुआ है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसके बीच का जो लेंथ होगा और ये जो कांटेक्ट जहाँ मीट करेगी ये जो पोर्शन है पूरा ये क्या करेगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगी,
ठीक है, यस यानी जो फोकस है इसके ऊपर जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा आपका 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, यस सर, यस सर, फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके, यस सर। नाउ आफ्टर दिस लेट अस सी आवर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस अपॉन एनी टेंजेंट ऑफ द एलिप्स इज बी स्क्वायर, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, डायग्राम बना के देखते हैं सबसे पहले, लेट दिस इज आवर एलिप्स, ओके, नाउ क्या कहता है स्टेटमेंट, क्या है कि लोकस ऑफ थीटा परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट, ठीक है, कोई टेंजेंट लेते हैं, कोई टेंजेंट ले लिया हम लोग, लेट अस सपोज देयर इज अ टेंजेंट, ठीक है, यस सर, हमने टेंजेंट ले लिया, लेट से दिस इज आवर टेंजेंट, ठीक है बेटा, ये हमने टेंजेंट ले लिया और इसका फोकस बना लेते हैं, तो फोकस के लिए हमने बना लिया इसका मेजर एक्सिस और ये हो गई हमारे पास में इसकी माइनर एक्सिस, ठीक है, यस सर, अब फोकस के पॉइंट ले लिए हमने, फोकस के पॉइंट ले लिए हमने, दिस इज एस डैश ए ई कामा जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस ए ही होता है ना, माइनस ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे केस ले लिया हमने ए कॉमा जीरो, ए ई कॉमा जीरो हो जाएगा, सही से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा जीरो जीरो, ओके। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि हमें डालना है परपेंडिकुलर इस फोकस से, कहां पे डालना है, इस टेंजेंट पे, टेंजेंट पे, तो फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालना है, सही नहीं बना, सही बना, एक तो परपेंडिकुलर ये पड़ गया और दूसरा अगर यहां से परपेंडिकुलर डाले इसके, थोड़ा सा पॉइंट इसको डिस्प्लेस कर लेते हैं, थोड़ा परपेंडिकुलर अच्छा दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैच कर जाएगा, यहाँ पे ना मैं सपोज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ दिखेगा नहीं ना, लेट्स यहाँ पे डाल दिया हमने, ओके, ठीक है, समझने के लिए, और ये भी परपेंडिकुलर यहाँ बना लिया और ये भी परपेंडिकुलर यहाँ, ठीक है, दिस इज योर tangent, ठीक है, से दिस इज पॉइंट पी डैश, दिस इज पॉइंट पी एंड ओ, आपको बताना है, क्या बताना है कि लोकस ऑफ थीटा परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट वो क्या होगी, ऑक्सिलरी सर्किल होगी, क्या होगी, ऑक्सिलरी सर्किल, ओके, मींस ये सर्किल हो जाएगी, ठीक है, ये सर्किल में देखो ये पॉइंट यहाँ से भी पास कर रही है और कहाँ से पास कर रही है, ये यहाँ से भी पास कर रही है ना, ये इनका जो फीट होगा वो ये सर्किल बनाएगा, ओके, यस ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं डायग्राम में, इस सर्किल हमने थोड़ा अच्छा नहीं बना पाए हम, थोड़ा इलेक्ट्रिकल है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं सर्किल अगर जब हम, तो क्या करते मैंने से जैसे कॉपी पे बना रहा है ना, हाँ। सर बन रहा है प्रॉपर सर्कल, बिल्कुल वो यहाँ से और यहाँ से इसको भी टच करेगा ना, यस यस ठीक है बेटा,
इसको अब चाहो तो डिलीट कर दो, दोबारा बना सकते हैं। ये ठीक है, yes, ये इस पॉइंट से भी जाएगी और यहाँ से भी जाएगी और इस तरीके से ये आपकी बन गई अगली रे सकते हैं। yes, अगले ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। ये हमारे पास लिप्स का इक्वेशन ले लिया हमने, ठीक है, दिस इज एलिप्स, इसका फोकस प्लस माइनस ए ही गामा जीरो हो गया। ये इस पे कोई टेंजेंट ले लिया हमने और इस टेंजेंट पे हमने फोकस से परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी एस डैश पी डैश एंड एस पी। ओके, हमें एक क्वेश्चन चाहिए थीटा परपेंडिकुलर का, यानी लोकस चाहिए थीटा परपेंडिकुलर का। तो क्या किया हमने, सबसे पहले कोई जनरल टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया इस एलिप्स की किसी पॉइंट पे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पे, और इसके करस्पोंडिंग हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया जो कि पॉइंट एस डैश और एस से पास करे, तो उस परपेंडिकुलर का इक्वेशन आपका ये हो गया। ओके, नाउ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अगर थीटा को एलिमिनेट कर दें तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, यानी लोकस ऑफ पी या पी डैश मिल जाएगा हमको। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं, इक्वेशन टू को स्क्वायर कर दें एंड इक्वेशन थ्री का स्क्वायर करके ऐड कर, ठीक है, तो टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर करके ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, लिखता हूं मैं इसको, और दोनों में से स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों में एक्स 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 कॉमन निकाल दो यहाँ से, यहाँ पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको साथ ही लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर, दोनों का जो कॉमन टर्म होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर का, तो 2 एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी टू एक्स वाई साइन थीटा, यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे ये साइन किया तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा, ये वाई कॉस थीटा, ठीक है, ये टू एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी माइनस साइन के साथ रहेगा, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट मिलेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको, राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा दोनों को ऐड करने से। यस, लेट अस सिंपलीफाई दिस, तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऑरिजिन को सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो वो एक्स वो एक जगह आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक जगह आ जाएगा, हाँ ये भी कर सकते हो, ठीक है, हम आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, बी स्क्वायर यहाँ ले लिए और यहाँ पे हमने ई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दिया, तो ई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, ये
है ना? यस इसको सिंपलीफाई करके देखें तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल वर्ड में अगर देखें इसको हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास में ये ए स्क्वायर साइन थीटा को साथ में ले लेते हैं, बी बी वाले को साथ में कर देते हैं, क्या करते हैं बी बी वाले को साथ में कर देते हैं, बी बी वाले को साथ में कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको साथ में कर लेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपान कितना है, अपान है बी स्क्वायर थीटा, है ना? Yes. हम क्या काम करते हैं, हम इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना? Yes. और इसको ओपन कर देते हैं डिवाइड में, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद में, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद में अगर इसको हम ओपन कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, ये ए स्क्वायर बाहर रह जाएगा, इसको अंदर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर बन जाएगा ना, ये बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर, ये बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर, बन जाएगा ये। हमने इन दोनों टर्म को अलग कर दिया, फिर तो अलग करेंगे तो इसके नीचे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यस ठीक है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर, ये पूरा पूरा टर्म कॉमन हो जाएगा, और इस साइड में भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, है ना? अच्छा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बच जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर, हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मिलेगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, है ना? तो यही हमारा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या था कि ऑक्सिलरी सर्किल बनाएगा, ये क्या बनाएगा ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल वो होता है जो कि इलिप्स से बनाया जाए और जो उसका मेजर एक्सिस हो उसका डायमीटर बन जाए, है ना? Yes, तो जो पी का लोकस है वो क्या बन गया, ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन बन गया, ठीक है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल, है ना? हेंस yes, जो स्टेटमेंट दिया था वो प्रूफ हो गया।